आज बाबा लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर परिसर में बाल प्रतिभा विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसके साथ आनंद मेला का भी आयोजन किया गया है। हमारे जो बच्चे हैं, ये जो जमशेदपुर से विभिन्न स्कूलों से आए हैं, और इसमें जो चित्रांकन है, भाषण है, संगीत है, इस सभी विषयों में प्रतियोगिता हो रही है। और इसमें जो भी सफल आएंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको 17-18 को हमारी जो वार्षिक सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, उनको उसमें उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो आनंद मेला का आयोजन किया गया है, ये हमारे जो महिलाएं हैं, महिला शाखा है यहाँ का, वो लोग अपने घर से बना के ला रहे हैं, और इससे जो भी जो उपार्जन होगा उसको मंदिर के विकास में लगाया जाएगा। कोई अपने घर नहीं लेके जाएंगे। ये जो है बहुत बड़ी जो हमारी महिला लोग हैं उनका सहयोग है मंदिर के लिए, और हमारी जो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्कूल के प्रिंसिपलों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारे मंदिर परिसर में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें उन्होंने अपने बच्चों स्कूल के बच्चों को यहाँ भेजा। आशा करते हैं कि ये अगले साल और बड़े बड़े स्केल में होगा, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मानस कुमार मिश्रा, अध्यक्ष परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति। सब एक एक जगह आएगा, फोटो रखते हैं पास में सब। उठाइए सब, सब सब मंदिर परिसर में आए हुए आज मैं आपसे वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वोकल फॉर लोकल यह अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि हम अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकें और आत्मनिर्भरता के अपने सपने को साकार कर सकें। परमहंस स्वागत करती है। आप सभी से अनुरोध है, आनंद मेला का उद्घाटन हो चुका है, आप 10 रुपए में एक कूपन ले कॉम्पिटिशन। No? Okay, all right. All the best. जो परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति, ये आज 20 साल से स्थापना तो काफ़ी बहुत पहले से हुई है, और हम लोग ये जो समाज से और समाज जमशेदपुर के हर समाज के बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए बाल कला दिवस, जिसमें कि हर तरह का प्रतियोगिता रहता है, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रांकन महिलाओं के लिए।